हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे फूल गोभी से बहुत ही अलग तरह का नाश्ता, जो शाम की चाय के साथ या ऐसे भी आप बच्चों को लंच में या टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। आपने पूड़ी और पराठे तो फूल गोभी से और पकौड़े खाए होंगे, लेकिन आज मैं अलग तरह से फूल गोभी का नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए एक फूल गोभी ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह से डंठल हटा करके और अच्छी तरह से देख कर ले लिए हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबाल लेंगे। अच्छी तरह से उबालेंगे और हल्का सा नमक डालकर, ज़्यादा उबालना नहीं है इसको, कम ही उबालेंगे। अच्छी तरह से उबल जाए तो इसको छन्नी से छान लेंगे। आप इस तरह के नाश्ता बच्चों को लंच में या आप इसे टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाला नाश्ता है और सारे गोभी को इसी तरह से छानकर ले लेंगे और एक मिक्सर जार में गोभी के टुकड़े को डाल लेंगे और दो तीन हरी मिर्च पक गई थी उसको ले लिए हैं और एक प्याज का टुकड़ा, एक चम्मच जीरा और एक छोटा टुकड़ा अदरक, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लिए हैं। अब एक कटोरी आटा ले लेंगे, गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, और स्वाद के अनुसार नमक, अजवाइन को क्रश करके आधी चम्मच के करीब और दो चम्मच के करीब सूजी, बड़े चम्मच से सूजी से नाश्ता मेरा क्रिस्पी बनेगा। सूजी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप बिना सूजी के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। और एक चम्मच सब्जी मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर छोटी चम्मच से, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बड़े चम्मच से दो चम्मच तेल ले लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं और हल्का हल्का पानी डालकर गूंथ कर तैयार कर लेंगे। अब जो गोभी का पीस कर रखे थे उसको इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होगा। आप इस नाश्ते को चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं बिना सब्जी के। ये नाश्ता बहुत ही यम्मी और टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और आपको रेसिपी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक, और चैनल में आप मेरे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नाश्ता मेरा कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आटे की तरह सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिए हैं और इसे ढककर एक दो मिनट के लिए रख देंगे। एक दो मिनट बाद आप देख रहे हैं आटा मेरा सेट होकर तैयार हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे और एक रोटी से बड़ा ही डो लेंगे और इसको अच्छी तरह से
गोला करके और रोटी की जैसा बेलकर तैयार कर लेंगे। हल्का सा आप इसमें आटा भी स्टफ करके बेल सकते हैं या तेल से भी बेल सकते हैं, हम इसे तेल से बेल रहे हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जिस चीज़ से बेलना चाहे उस चीज़ को ले सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से बनकर और झटपट बनकर तैयार हो जाने वाला यह नाश्ता है। और पूड़ी का साइज इसी तरह का रखेंगे और एक कटोरी से सारे नाश्ते को पूड़ी का शेप देते हुए कट कर लेंगे। इसी तरह का सारा नाश्ता बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार करके तब इसको सेक लेंगे। हम इसे डीप फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को तवे पर भी सेक सकते हैं। कम तेल खाना पसंद करें तो तवे पर सेक कर भी खा सकते हैं। और तेल अच्छी गर्म होने पर ही सारे नाश्ते को ऐड करेंगे और सारे नाश्ते को इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये फूल गोभी का बहुत ही क्रिस्पी और मसालेदार बना खस्ता कचौड़ी है। आप इस कचौड़ी को कुछ मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा नाश्ते में से कलर आया है और खाने में भी उतना ही टेस्टफुल बना है ये नाश्ता। सारे नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लेंगे आप देख रहे हैं कितना क्रिस्प और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और सुबह की जल्दबाजी में कुछ मिनटों में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। एक मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है नाश्ता। धन्यवाद वॉच माय वीडियो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद वॉच माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।